नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। बच्चों की जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुँच पाएगा। लड़की वालों को लड़का पसंद आ जाता है, लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है, सारी बातें फाइनल हो जाती हैं, लेकिन अंत में जा करके कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक यानी कि अपने लेवल का रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। रिश्ते तो बहुत आते होंगे, लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आ रहे होंगे, जो आपके लेवल के नहीं हैं वो रिश्ते आ रहे होंगे, और जो आपके लेवल का रिश्ता है वो फिक्स नहीं हो पा रहा होगा। आपकी उम्र लगातार निकलती जा रही होगी। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो इन समस्याओं का निवारण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कैसे करना है, कब करना है और क्या सामान आपको ये उपाय करने के लिए चाहिए। ये उपाय आप शीतला सप्तमी के दिन भी कर सकते हैं और शीतला अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक दिन ये उपाय कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। साल 2023 में शीतला सप्तमी 14 मार्च मंगलवार के दिन आ रही है और शीतला अष्टमी 15 मार्च बुधवार के दिन आ रही है, तो इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आपने ये उपाय करना है, सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास एक आटे का दीपक होना चाहिए। गेहूं का आटा आप ले लीजिए, उसको गूंथ लीजिए और गूंथ कर एक दीपक तैयार कर लीजिए। अब इस दीपक में आपने क्या भरना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इस दीपक में आपने तिल का तेल डाल लेना है। तिल का तेल यदि आपके घर में उपलब्ध है तो आप प्रयोग में ला सकते हैं, यदि घर में नहीं है तो बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा तिल का तेल आप ले आइए और इस दीपक में डाल लीजिए। उसके बाद लौंग का एक जोड़ा, यानी कि दो लौंग बिल्कुल साबुत होने चाहिए, वो आप इस दीपक में डाल लीजिए। उसके बाद सफ़ेद रंग का चंदन, एक चुटकी भर सफ़ेद रंग का चंदन इस दीपक में डाल लीजिए और एक चुटकी भर हल्दी इस दीपक में डाल लीजिए। हल्दी कौन सी? जो हम रसोई घर में प्रयोग करते हैं उसी हल्दी की मैं बात कर रहा हूँ, तो चुटकी भर हल्दी इसमें डाल लीजिए। इस दीपक में आपने बाती नहीं रखनी है। ये जो दीपक है ये शीतलता का प्रतीक है। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जिन चीज़ों से शीतलता आती है उन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अग्नि का प्रयोग भूल कर भी हमें नहीं करना है। तो ये दीपक तैयार हो गया आपके पास। और क्या चाहिए? एक स्टील का लोटा आप ले लीजिए। स्टील के लोटे में सबसे पहले शुद्ध जल भर लीजिए, ठंडा जल, जो सामान्य जल होता है वो जल आप स्टील के लोटे में भर लीजिए और इस स्टील के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। अब ये दो चीज़ें आपके पास हो गई, एक तो आटे का दीपक जो आपने तैयार किया है, जिसके अंदर जो सामग्री मैंने बताई वो आपने डाल ली है, और एक हो गया स्टील का लोटा जिसके अंदर जल है और कच्चा दूध है। जिस लड़के और लड़की की शादी में देरी चल रही है, यदि वो बच्चे ये उपाय खुद करेंगे
तो फिर तो बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो बच्चे खुद नहीं करते हैं तो ये दोनों चीजें उन बच्चों से आपने छुआ लेना है, उनका हाथ लगवा लेना है। यदि ये उपाय माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का हाथ इन दोनों चीजों पर एक बार आपने लगवा लेना है और फिर ये उपाय करना है। और यदि आपके बच्चे घर में नहीं रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो माता पिता फिर ये उपाय कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो आपने अपने मन में अपने बच्चों का ध्यान करना है। यदि बेटे की शादी में देरी चल रही है उसके लिए ये उपाय आप कर रहे हैं तो अपने मन में अपने बेटे का ध्यान करना है, और यदि बेटी की शादी में देरी चल रही है तो मन ही मन में अपनी बेटी का ध्यान करना है, और मन ही मन में ऐसा महसूस करना है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके पास ही हैं। और ये जो उपाय आप करने वाली हैं या करने वाले हैं, इनका जो शुभ फल है वो आपके बच्चों को ही मिलने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे क्या करना है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अब आपने जाना है नीम के पेड़ के नीचे, आपके आसपास नीम का पेड़ आसानी से मिल जाएगा, कहीं पर भी हो, पार्क में हो या इधर उधर कहीं भी हो आप ढूंढ लेना, तो नीम के पेड़ के नीचे आपने चले जाना है। और यदि नीम के पेड़ के नीचे जाना संभव नहीं है तो फिर आपके आसपास यदि शीतला माता का मंदिर है तो फिर शीतला माता के मंदिर में आपने चले जाना है। यदि आप शीतला माता के मंदिर में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जो लोटा आप लेकर के गए हैं पानी वाला, इस पानी के साथ शीतला माता का जो मंदिर है उसका जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर इस जल को आपने छिड़क देना है, दोनों साइड में डाल देना है, और अंदर जाकर के जो शीतला माता की प्रतिमा है उस प्रतिमा के सामने इस दीपक को आपने रख देना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि शीतला माता का मंदिर नहीं है तो फिर आपने नीम के पेड़ के नीचे चले जाना है। अब नीम के पेड़ के नीचे जाकर के क्या करना है, सबसे पहले ये जो पानी आप लेकर के गए हैं इस पानी से नीम की जो जड़ है उसको आपने सींचना है, यानी कि नीम की जड़ में ये जल आपने अर्पित कर देना है। उसके बाद ये जो दीपक तैयार करके आप लेकर के गए हैं बिना बाती का, ये दीपक भी आपने नीम की जो जड़ है उसके पास रख देना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। नीम का जो पेड़ होता है उस पेड़ में शीतला माता का स्थायी निवास माना गया है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है नीम के पेड़ में शीतला माता का निवास होता है। जब भी शीतला माता का कोई भी हम उपाय करते हैं तो उसमें नीम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि नीम के अंदर शीतला माता का निवास होता है। तो नीम के पेड़ के नीचे ये उपाय यदि आप करते हैं और वहीं पर बैठ करके एक मिनट के लिए या फिर 30 सेकंड के लिए अपनी मनोकामना का चिंतन कर लेते हैं तो शीतला माता की जो विशेष कृपा है उसके पात्र आप बन जाते हैं। शीतला माता आपकी जो मनोकामना है उसको जरूर पूर्ण करती है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं, या तो आप शीतला माता के मंदिर में जाकर के ये उपाय कर दीजिए या फिर नीम के पेड़ के नीचे जाकर ये उपाय कर दीजिए। बस इतना सा प्रयोग आपने करना है, ये प्रयोग आप दो दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, या तो शीतला सप्तमी के दिन या फिर शीतला अष्टमी के दिन। यदि ये प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित मान के चलिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही शीतला माता पूर्ण करेगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार जो देरी चल रही है उसका मुख्य कारण क्या है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, कौन से ग्रह की वजह से शादी में विलंब चल रहा है और उस ग्रह को शांत करने का विशेष उपाय क्या बनता है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या
टाइप करके भेज सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपको आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जो भी सटीक जानकारी होती है वो दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और यदि पुण्य के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर देना, और यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।